हैप्पी जन्माष्टमी दादी माँ, मुझे जन्माष्टमी के बारे में आपसे पूछना है कि हम जन्माष्टमी क्यों बनाते हैं दादी माँ। गोलू बेटा, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था जन्माष्टमी के दिन। मैं तुम्हें श्री कृष्ण की कथा सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा हुआ करता था जिसका नाम कंस था। कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागृह में रखा हुआ था, क्योंकि कंस को आकाशवाणी हुई थी देवकी का आठवां पुत्र भगवान श्री विष्णु का अवतार होगा और वह कंस को मारेगा। इससे पहले हुए देवकी के सारे बच्चे कंस ने मार दिए थे। श्री कृष्ण भगवान का जन्म कारागृह में हुआ था। कृष्णा को कंस से बचाने के लिए वासुदेव उसे यशोदा के घर छोड़ने का निर्णय लेता है। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो सारे पहरेदार सो गए और कारागृह का दरवाजा अपने आप खुल गया। वासुदेव कृष्णा को टोकरी में डालकर जमुना पार करने लगते हैं। जोर जोर से हवा चल रही थी और जमुना कृष्णा के पांव छूने के लिए उफान पर थी, और जैसे ही जमुना ने कृष्णा के पांव छुए तो जमुना का पानी एकदम शांत हो गया। यमुना नदी पार करते ही वासुदेव श्री कृष्ण को नंद महाराज के घर छोड़ आते हैं और वापस कोठरी में चले जाते हैं। जैसे ही कृष्णा बड़े हुए, उन्होंने कई राक्षसों का वध किया। तुच्छ राक्षस, अभी चले जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से जाने नहीं, अपने महाराज कंस का वचन पूरा करने आया हूँ। तो ठीक है, तुम्हारा वध मेरे हाथों से ही होगा। और दोनों में घमासान युद्ध होने लगता है। आखिर में कृष्णा उस राक्षस का वध कर देते हैं। श्री कृष्णा अपनी बांसुरी से कई जीव जंतुओं का मन मोह लेते थे। और इस तरह आखिर में कृष्णा ने कंस का वध किया था गोलू बेटा। शुक्रिया दादी माँ, अब मुझे पता चल गया है हम जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं।